अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी कैरियर से होंगे। तो गाइज, आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूँ जो कि क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। और अक्सर आपने सुना भी होगा ये बात कि यार ये वाली न्यूज आ रही है, अभी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये वाली न्यूज आ रही है, इससे मार्केट में बम्प आ सकता है। ये न्यूज आ रही है, इससे मार्केट में डंप आ सकता है। तो बजाय कि आप किसी की न्यूजें सुने, आप किसी के मुंह से सुने, आपको पहले से ही पता हो। और ये जो आपके साथ मैं प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ, ये आपको एक पहले बता देता है, 10 दिन पहले बता देता है, 1 महीना पहले बता देता है, 2 महीने पहले बता देता है कि भाई ये न्यूज आने वाली है, इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है। और फिर आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आप उस टाइम जो है ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कह सकते हैं उस टाइम में मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल होती है कि एकदम से पंप और एकदम से डंप आ रही होती है, और उसी में हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होती है। तो चले आए, मैं उन प्लेटफॉर्म्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चले चलते हैं गाइज अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं बात कर रहा हूं गाइज फॉरेक्स फैक्ट्री की। बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री असल में बहुत सारे लोग जो है इसको फॉरेक्स के लिए यूज करते हैं। तो लेकिन आपको परेशान नहीं होना कि अगर आप क्रिप्टो लवर है, आपके लिए ये सारा कुछ सीखना जरूरी है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि इसका भी इंपैक्ट क्रिप्टो के ऊपर पड़ता है, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री के साथ साथ सेम लाइक इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए काम करता है, ठीक है। आप यहां पर अगर इंटरेस्टेड हैं सिर्फ फॉरेक्स के लिए तो आप इसको फॉलो करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो के लिए तो इसके बाद का जो टॉपिक है जो अभी को 3 से 4 मिनट के बाद मैं शेयर करूंगा वो प्लेटफॉर्म, तो आप उसको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चले अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने लिखना है गूगल के ऊपर, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास ना टाइम का आ रहा होगा, आपने टाइम के ऊपर आपने क्लिक करके ना अपनी कंट्री का टाइम सेलेक्ट कर लेना। देखिए जैसे मैं पाकिस्तान से हूं तो यहां पर मैंने कराची वाला सेट किया हुआ, यहां पर सेव सेटिंग कर लेना। मैंने यहां पर ना टाइम के ऊपर क्लिक किया था तो मैंने यहां पर सेव सेटिंग कर ली ताकि आपके पास आए ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना ये टाइम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद सबसे ऊपर ये देखें फॉर्म्स एंड ट्रेड्स एंड न्यूज है। देखिए न्यूज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारी न्यूजें मिल जाएंगी। ये सारी की सारी जो न्यूज़ेस है ना सारी इंपैक्ट डालती हैं भाई फॉरेक्स पे और उसके अलावा स्टॉक्स के ऊपर। आप यहां पर आके इनको स्टडी कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई के हवाले से क्या चल रहा है, लोगों का क्या ओपिनियन है, ये क्या कह रहे हैं। यहां पर आके आप काफी ज्यादा न्यूज़ेस को, आपको जरूरत ही नहीं आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की, आपको यहां पर आपको काफी ज्यादा न्यूज़ेस मिलेंगी। और इसका इंपैक्ट फॉरेक्स और स्टॉक के ऊपर बहुत डाटा पड़ता है कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको आके जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको रीड करें, आपको बहुत फायदा होगा। एक दूसरा, आपने ये कैलेंडर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहां पर ओवरऑल जो न्यूज जो आने वाली है, जो आज है, जो कल है, जो पास में गुजर चुकी है, वो सारी आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर बताऊं, यहां पर आपको डेट नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करें, पहले देखिए यहां पर आपने कैलेंडर पर क्लिक करना है। आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करें भाई आपको पास की देखनी है कि आगे इन फ्यूचर की देखनी है। देखिए मैं यहां से ना 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी का यहां पर मैंने कैलेंडर सेलेक्ट किया। देखिए जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहां पर अप्लाई सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक सारी ओवरऑल जितनी भी न्यूज़ेस हैं वो सारी यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद गाइज यहां पर आ जाए आगे थोड़ा सा, यहां पर देखिए अप नेक्स्ट, यहां पर इसको छोड़े, यहां पर नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे कॉर्नर पे फिल्टर वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये जरूरी है। नीचे जाने से पहले मैं आपको ये पहले बता दूं, देखिए यहां पर करेंसीज हैं आपको AUD, CAD, CHF, CNY ये सारी नजर आ रही है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड किस में है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं यूरो में, GBP में, JPY में, USD में, अगर आप सिर्फ यहां पर चार के ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ इन चारों को रहने दें। अगर आपका बाकियों के साथ भी है तो आप कर सकते हैं, उनको अनचेक कर लें और जिनको रखना है उसको चेक कर लें। यहां पर देखिए मैंने ये चेक कर लिया चारों को, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएं, यहां पर आपको एक्सपेक्टेड इंपैक्ट, यहां पर ये चार फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, सिल्वर, येलो, ऑरेंज और रेड। आपने ये सिल्वर वाला और ये येलो वाला आपके पास यहां पर ना टिक होंगे, आपने इनको अनचेक कर देना है दोनों को। जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं ये ऑरेंज और रेड डालती हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं ये मीडियम है और ये सबसे ज्यादा हाई है रेड वाली। उसके बाद यहां पर देखिए इवेंट टाइप, आपको क्या ओवरऑल इवेंट को ही आपको फॉलो करना है या सिर्फ मखसूस को करना चाह रहे हैं। यहां पर देखें ग्रोथ से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी न्यूज जितनी भी है ना ये सारी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती है, चाहे थोड़ा डाले चाहे ज्यादा डाले, ठीक है। ये लाजमी डालती है, आपने सिंपल यहां पर अप्लाई
लाइव फिल्टर पे क्लिक करके आपने ये सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, आपको डेट नजर आएगी सारी, उसके बाद यहाँ पर ये टाइम पाकिस्तान के मुताबिक और आपकी कंट्री के मुताबिक आपको यहाँ पर टाइम शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये करेंसी का आपको नजर आएगा, ये जो करेंसी वाला आपको नजर आ रहा है, ये करेंसी यहाँ पर मैंने USD, यूरो, GBP और ये सारी मैंने सेलेक्ट किया, उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास पे। उसके बाद इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है, इन न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर ये ऑरेंज वाला है, उसके बाद वाली देखी जाए तो ये रेड वाला है। इसका मतलब इसके ऊपर हम लेके आते हैं तो ये कहता है मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, और अगर हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये कहता है हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हाई इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये, अब ये किससे रेलिवेंट है, आप देखें फॉर्मसी मेंबर बैरकिन स्पीक्स, ठीक है, ये एक न्यूज आ रही है लेकिन इसका इतना ज्यादा मीडियम इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीचे वाले को देखें यहां पर ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और जॉब्स जॉब ओपनिंग, देखें ये हर एक इंपैक्ट डालती है USA के ऊपर, यानी कि USD के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन न्यूज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहां पर आगे देखें ये डिटेल, ये फोल्डर है, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है तो आपको इसकी ओवरऑल डिटेल निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर फर्ज करें हम यहां पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम इसको छोड़ के नीचे वाले, ये देखें फॉर्मसी मीटिंग मिनट्स, ठीक है, इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और कब आ रही है न्यूज, USD की है और 12 बजे AM पे, ठीक है, 4 जनवरी को आएगी। अगर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओपन डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारे पास एक फोल्डर ओपन होकर आ जाता है ये वाला, देखिए ये सोर्स है फेडरल रिवर्स रिजर्व के हवाले से, ठीक है, सॉरी फेडरल रिजर्व के हवाले से हमारे पास एक सोर्सेज की एक इंपैक्ट पड़ने वाली एक न्यूज है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर हैकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि उसकी तरफ से जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है, जॉली पॉन जो भी उसका नाम है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट जो भी बोलेगा अगर तो हैकिश के थ्रू बोलता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया नेक्स्ट रिलीज कब होगी, 22 को, अभी जो रिलीज हो रही है वो 4 जनवरी को और नेक्स्ट जो होगी 22 फरवरी को होगी, ठीक है। और ये जो होती है ना ये सारी, ये फेडरल ओपन मार्केट कमिटी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर ये अपना स्पीच दे रहा होता है, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो यहां पर अभी कोई भी यहां पर प्रीवियस कुछ भी नहीं है, फोरकास्ट भी कुछ नहीं आ रहा और एक्चुअल भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या है मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा नीचे जाके अब यहां पर देखिए सारी ओवरऑल न्यूज़ है, हम यहां पर आ जाते हैं ये CPI के ऊपर, यहां पर अगर आ जाए थोड़ा सा यहां पर और नीचे आए, यहां सॉरी ऊपर ही रहते हैं ताकि जिनकी आने वाली है उनका मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखें हमारे पास एक आ रही है यहां पर, ये CPI का ले लें, ये वाला ये कोर CPI का यूरो का, अगर आप यहां पर आ जाए तो यहां पर आपको एक एक्चुअल नजर आ रहा है, एक फोरकास्ट नजर आ रहा है, एक प्रीवियस नजर आ रहा है। देखिए प्रीवियस का क्या मतलब है, प्रीवियस का ये मतलब है कि यहां पर जो पिछली बार इनका जो यहां पर इंपैक्ट पड़ा था मार्केट के ऊपर उसका जो पॉइंट आए थे वो 3.6% थे, यानी कि 3.6% यहां पर आया था प्रीवियस, लेकिन फोरकास्ट किया जा रहा है 5 जनवरी को जो आएगा इसका जो पॉइंट रिलीज होंगे वो 3.4% होंगे, फोरकास्ट यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में अभी नहीं आई क्योंकि 5 जनवरी को आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि इससे यूरो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपने फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आ जाए, तो अब यहां पर नीचे आएंगे देखें इस इफेक्ट क्या है इसका, एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, अगर एक्चुअल आ जाता है जो एक्चुअल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, अगर फोरकास्ट के हिसाब से आता है, मतलब अगर फोरकास्ट जो अभी किया जा रहा है देखे 3.4% अगर इसके मुताबिक आ जाता है तो इज गुड फॉर करेंसी, और ये करेंसी के लिए गुड है अगर फोरकास्ट के हक में आता है, ठीक है, यानी कि जो यहां पर किया जा रहा है ना 3.4% अगर ये आ जाता है तो यूरो के लिए ये अच्छी न्यूज है, अगर ये इतना ही आता है 3.6% आता है तो फिर ये यूरो के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। तो इस तरह आप करके यहां पर ग्राफ को जो है ना ओवरऑल को रीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहां पर नीचे आ जाए यहां पर कोई भी ये देखे नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, बहुत ज्यादा। अब देखिए पिछली बार क्या था 199K और इस बार फोरकास्ट क्या किया जाता है 167K, अगर अभी हम देखें तो एक्चुअल में भी कोई नहीं है क्योंकि ये 5 जनवरी को आएगा, तो यहां पर अगर आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है, अगर 167K आ जाता है तो ये फोरकास्ट आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छी न्यूज है, फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है, अगर फोरकास्ट के आ जाती है तो फिर ये करेंसी के लिए गुड है।
अगर वो 199 के आता है तो फिर ये इसके लिए बैड न्यूज है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है और इसी हिसाब से ही आपने इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बताया, बाकी अगर आप प्रीवियस अगर आप देखना चाहें, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हो तो आप प्रीवियस जाकर डाटा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेगा आपको खुद समझ आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर हम कोई भी एक न्यूज ले लेते हैं ताकि ये देखें। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देखें, यहाँ पर 219 था प्रीवियस, फोरकास्ट किया जा रहा था 221 के और आया कितना 220 के। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां पर देखें एक्चुअल लेस देन, देखें एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि जो एक्चुअल आया है वो फोरकास्ट से अगर कम होगा तो करेंसी के लिए गुड होगा। तो यहां पर आप देखें लास्ट जब 7 दिसंबर को 220K यहां पर था फोरकास्ट तो उसने बोला लेस, यानी कि लेस आया तो करेंसी के लिए अच्छा है, तो 220K आया तो इसका मतलब है यहां पर USD के लिए ये अच्छी न्यूज थी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है सबको देख सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप ये देखें, यहां पर देखें ये जो रेड वाला और ये जो आपको ग्रीन वाला ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप यहां पर आ जाए इसके ऊपर हम देखें, यहां पर प्रीवियस 0.2% था और फोरकास्ट था 0.3% और यहां पर ग्रीन में है 0.4%। तो अगर आप इसके ऊपर आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करते तो यहां पर देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि यहां पर अगर फोरकास्ट से अगर ये अच्छा आ जाता है, ठीक है, फोरकास्ट से अच्छा आ जाता है तो ये करेंसी के लिए गुड है। तो इसका मतलब है जब भी करेंसी की फेवर में जब भी कोई आएगा तो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर ग्रीन होगा। जब भी उस करेंसी के हवाले से जो न्यूज होगी अगर उसके फेवर में हुई तो यहां पर वो ग्रीन होगा, अगर वो यहां पर रेड होती है तो इसका मतलब है उसके लिए अच्छी न्यूज नहीं थी, उस करेंसी के लिए अच्छी न्यूज नहीं थी। अगर यहां पर रेड होता है, अगर यहां पर ग्रीन होगा तो करेंसी के लिए अच्छा है, अगर यहां पर रेड होगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर देखें ये GPB की है 7.2% आई जो कि इसके लिए अच्छा नहीं था। अगर आप इस फोल्डर के ऊपर भी क्लिक करें यहां पर देखें 8.0% और फोरकास्ट 7.7% और एक्चुअल में है 7.2%। अगर आप इस फोरकास्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आता है तो फिर करेंसी के लिए अच्छा है। देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, अगर उससे अच्छा आता है, देखिए फोरकास्ट में था 7.7%, अगर इसके मुताबिक आता तो अच्छा था लेकिन आया नहीं, इसका मतलब है 7.2% आया तो जीपीबी के लिए अच्छा नहीं था, तो इस वजह से यहां पर ये माइनस है, ठीक है। बस आपको ये देखना है जब भी रेड हो तो समझे जीपीबी के लिए अच्छा नहीं है, जब भी आपको ग्रीन नजर आए तो करेंसी के लिए अच्छा है, ये आपको ख्याल रखना है। ये सारा मैंने आपको बता दिया डीपली। तो इस तरह करके आप ये सारी न्यूजेस को देख सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी न्यूजेस होती हैं जो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, वो कौन सी है, जो ऑरेंज वाली है, जो रेड वाली है वो सारी इंपैक्ट डालती है। CPI ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, FOMC ज्यादा डालेगी, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, काफी जो होती है वो न्यूज होती है। उसके अलावा जो फिड चेयर पॉवेल का स्पीक होती है जो भी मैंने आपको बताया वो काफी इंपैक्ट डालती है, ठीक है। ये सारी इंपैक्ट डाल रही होती है मार्केट के ऊपर, और मैं इसकी ना एक लिस्ट जो है ना मेरे ब्लॉग के ऊपर आपको मिल जाएगी कंप्लीटली, इंशाल्लाह आपके साथ वो भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा अपना ब्लॉग, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें वन स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगी और अपडेट होती हुई मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्रिप्टो की बात कर लें, ये तो हो गया फॉरेक्स का, थोड़ा लेंथी हो गया तो, लेकिन ये मैंने आपको कोशिश किया डीपली बताने की। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो ये आपने ये क्रिप्टोक्राफ्ट पे आ जाना, ये था फॉरेक्स फैक्ट्री और ये है क्रिप्टोक्राफ्ट। आपने जब क्रिप्टोक्राफ्ट पे आना सेम लाइक इसका भी वैसा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपको फिल्टर पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर आपके आगे ये ऑरेंज और ये रेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ये सारे ऐसे ही रहने दें, इसको अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर लेना और टाइम वैसे ही जो मैंने आपको बताया था यहां पर आपने टाइम के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेट कर लेना है। अच्छा, अब यहां पर कैलेंडर है, कैलेंडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब जितनी भी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जितनी भी जो क्रिप्टो के ऊपर इंपैक्ट डालेंगी वो सारी आ जाएंगी। देखिए सारी न्यूज़ आ चुकी हैं यहां तक। अच्छा, ऊपर से चलते हैं, यहां पर देखें ये हमारे पास एक आ रही है USA JOLTS ओपनिंग की। यहां पर प्रीवियस क्या है 8.73 और अभी फोरकास्ट क्या किया जा रहा है 8.84 M। सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, देखना है वो क्या बता रहा है। यहां पर देखें एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज फॉर क्रिप्टो, यानी कि
इज गुड फॉर क्रिप्टो, अगर एक्चुअल से जो फोरकास्ट किया जा रहा है उससे कम आता है, ठीक है, अगर वो लेस देन होता है फोरकास्ट से तो इज गुड फॉर क्रिप्टो, यानी कि यहां पर जो फोरकास्ट किया जा रहा है 8.84 है, तो अगर इससे कम आया तो किसके लिए अच्छा है, ये क्रिप्टो के लिए अच्छा है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा। और लास्ट टाइम अगर आप देखें तो यहां पर 9.35 था, यहां पर 5 दिसंबर को 9.35 था और फोरकास्ट किया जा रहा था 9.31 का, लेकिन एक्चुअल आया 8.73 m, तो ये किसके लिए अच्छा था, क्रिप्टो के लिए, देखिए ग्रीन है ना, ग्रीन, अगर रेड होगा तो क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं है। यहां पर अगर आप नीचे देखें 9.50 था प्रीवियस में 1 नवंबर को, फोरकास्ट किया जा रहा था 9.34 m, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या आया 9.55, 1 नवंबर को मार्केट काफी ज्यादा जो हुई थी यहां पर आपको डंप करती हुई नजर आई थी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव थी, तो यहां पर जब भी आपको कोई रेड नजर आए तो समझे वो नेगेटिव है, आपके क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं है, और अगर यहां पर ग्रीन होगी तो क्रिप्टो के लिए अच्छी है। इसी तरह आप यहां पर देख लें, ये सारी इंपैक्ट डालेंगी क्रिप्टो के ऊपर, यहां पर देखें ये 3 जनवरी को भी है, 4 जनवरी को, ये 5 जनवरी को, इनका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा इस टाइम में, और इस टाइम में से कोई आधा पौना घंटा घंटा पहले इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर, आप उस वक्त थोड़ी रिसर्च करके आप जो है अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह आप क्रिप्टो के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं CPI का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का चेंज होना, ये भी इंपैक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो FOMC की भी मीटिंग का भी होता है, FOMC वाला, ये वाला FOMC स्टेटमेंट वगैरह, इसका भी आपके मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये मेन है, ये इतनी जो आपको ऑरेंज वाली नज़र आ रही है इसका कोई इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो रेड वाली आपको नजर आ रही है ना, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी, जैसे ये रेड वाली है CPI की, ये भी इंपैक्ट डालेंगी, ये रेड वाली है, काफी इंपैक्ट डालेंगी। तो गाइस इन दो प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा इन प्लेटफॉर्म की मदद से। मैंने काफी बार इनसे फायदा लिया है, क्यों, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी पोजीशन को उस हिसाब से मैनेज करता हूं जिस हिसाब से न्यूज आ रही होती है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, जब आप इसको देख रहे होते हैं तो आप गूगल पे जाके इस हवाले से थोड़ी रिसर्च भी किया करें, ट्विटर पे जाके थोड़ी सर्च किया करें, टेलीग्राम पे भी सर्च किया करें, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर आपको यानी कि आपके पास काफ़ी सोर्सेज आ जाएंगे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है गाइज। तो ये थी गाइज काफ़ी थोड़ी लेंथी वीडियो हुई, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी है तो दो काम करने, एक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और जैसे अभी आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सपोर्ट को थोड़ा मजीद इंक्रीज करें, शेयर किया करें वीडियोज। देखें ये सिर्फ वीडियो आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, आप कोशिश करें सबके साथ शेयर करें, लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं उनको नहीं पता चलता, तो ये हमारे इस ट्रेडिंग की दुनिया का एक पार्ट है जिसको आपको साथ लेकर चलना है। मैंने कल भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो चीजों से चलती है मार्केट, एक टेक्निकल और दूसरा फंडामेंटल, जो आज मैंने बताया और जो कल मैंने बताया वो दोनों फंडामेंटल के साथ लिंक है, इनको इग्नोर मत करिएगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड बाय।